और उस बीच बड़ी खबर, रूस की महिला पायलट से बोले व्लादिमीर पुतिन, रूस पर प्रतिबंध, युद्ध के ऐलान जैसा है। प्रतिबंध लगाकर अमेरिका यूरोप ने जंग का ऐलान किया है, यह बात अब व्लादिमीर पुतिन खुद बड़े क्लियर तरीके से बोल रहे हैं। तो अभी तक जो प्रतिबंध अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से लगाए गए, नेटो कंट्रीज की तरफ से लगाए गए, अब इसको लेकर पुतिन खुलकर खिलाफ आ चुके हैं और महिला पायलट से बोला कि यह युद्ध के ऐलान जैसा है रूस के खिलाफ। और इस युद्ध में यूक्रेन बुरी तरह से तहस नहस, बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। और यूक्रेन से जुड़ी 9 बड़ी खबरें कौन सी इस वक्त की, यूक्रेन टॉप 9 के जरिए आपको दिखाते हैं। एक और वॉर फ्रंट में रूस की इन्फेंट्री ब्रिगेड पर यूक्रेनियन आर्मी भारी पड़ रही है। अमेरिका की जैवलिन मिसाइलों से यूक्रेनियन आर्मी ने कई रूसी टैंकों को ध्वस्त कर दिया। अमेरिका ने पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन को पहली बार स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, एंटी टैंक जैवलिन मिसाइलों और अन्य गोला बारूद की आपूर्ति बढ़ाई है। अमेरिकी हथियारों के दम पर यूक्रेनियन आर्मी की तरफ से रूस को पूरी टक्कर मिल रही है। यूक्रेनी फौज ने एटीजीएम मिसाइल से रूस के टैंक को तबाह कर दिया। एटीजीएम मिसाइलें यूक्रेन को जर्मनी और अमेरिका से मिली है। यूक्रेनियन फौज के भीषण हमले के बाद रशियन आर्मी टैंक छोड़कर भाग खड़ी हुई। हाईवे पर खड़े रशियन टैंकों के वीडियो सामने आए। कई वॉर फ्रंट पर रूसी आर्मी का हौसला टूट रहा है। यूक्रेन को उत्तरी मोर्चे पर भारी नुकसान हुआ है। रशियन आर्मी की एयर स्ट्राइक से कई शहरों में भारी तबाही हुई है। बमबारी और मिसाइलों की बौछार से हजारों मकान, दुकान, संस्थान तहस नहस हो गए हैं। हालांकि यहां जमीनी लड़ाई में कमी आई है। कीव पर नियंत्रण के लिए रूस ने निर्णायक हमले की तैयारी तेज कर दी है। अपने अटैक हेलीकॉप्टर K-52 को रूसी सेना ने कीव की ओर कूच कर दिया है। यूक्रेन के मारियोपोल से कीव की ओर रूसी सेना का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस रूसी सेना का काफिला कैमरे में कैद हुआ। खार्किव में टीम नान भारतवर्ष की टीम ने मिसाइल अटैक वाली जगह का जायजा लिया। रूसी मिसाइल अटैक से अपार्टमेंट को काफी नुकसान हुआ है। हर तरफ मिसाइल अटैक से हुई तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। पोलैंड ने यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की मांग की है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि नेटो की पूर्वी विंग को मजबूत करना प्राथमिकता है। अकेला यूक्रेन पूरे यूरोप को बचा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।